जय गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी के साथ हमारी जर्नी मेरी मदर की वजह से शुरू हुई। मेरी मदर क्लेयर फॉर्म वाले सत्संग में जब गए, तो जब गुरु जी गाड़ी से उतर के गद्दी तक जा रहे थे, तो मेरी मम्मी को गुरु जी में शिव जी चलते हुए दिखाई दिए गद्दी तक। मम्मी हमारी जो है बचपन से शिव भक्त है, हमारे पंजाब वाले घर में शिव मंदिर है, तो मम्मी शिव जी को बहुत मानती थी। तो मम्मी ने जब मुझे आगे कहना शुरू किया, राजू तू गुरुजी को जाया कर, इधर उधर भटकता रहता है। मैं बड़ा मतलब सुपरस्टिशियस टाइप था, ज्योतिषों के पास जाना, एस्ट्रोलॉजरों के पास जाना। तो जब मैं मम्मी ने कहना शुरू किया तू इधर उधर जाना छोड़ और गुरुजी शिव हैं तो गुरुजी के पास जाया कर, तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो मैं जब भी एम्पायर स्टेट जाऊं, जैसे सब कहते हैं भी गुरुजी के पास जाना उनकी मर्जी होती है, कब वो आपको आज्ञा देते हैं अपने चरणों में आने के लिए, तो मेरे साथ सेम वही हुआ। मैं लगातार 3.5 महीने तक एम्पायर स्टेट के गेट तक जाता था, और जैसे ही मैंने वहां गाड़ी रोकनी और नीचे जान गेट की तरफ जाने लगना, मन विचलित हो जाना या कोई ना कोई ऐसी बात हो जानी कि मेरे मतलब मैं वापिस आके और अपना गुड़गांव आ जाता था। ऐसे 3.5 महीने तक चलता रहा। 3.5 महीने के बाद एक दिन वेडनेसडे का दिन था, तो मैं गेट पे पहुंचा एम्पायर स्ट्रीट के, तो जनरली मैं गाड़ी बाहर लगा के अंदर जाने की कोशिश करता था। उस दिन जैसे गुरुजी की मर्जी होगी, मैंने हॉर्न दिया, गेट खुल गया एम्पायर स्ट्रीट का, दोपहर का टाइम था। मैंने एक स्पेसिफिक जगह पे जाके गाड़ी लगाई और अंदर जाके मैं पूछने लग गया भी यहाँ पे कोई बाबा जी का वो मंदिर है। तो मैंने बिल्कुल एम्पायर स्टेट के सामने वाले विला से गार्ड से पूछा, तो उसने कहा जी सामने जो E4 है वहां बैठते हैं, आप वहां चले जाइए, उनसे बात कर लीजिए। तो मैं गेट पे पहुंचा, तो वहां गुरु जी के जो ड्राइवर हुआ करते थे छोटू, पहले वो गेट पे ही खड़े थे। तो मैं कहा जी यहाँ पे बाबा जी बैठते हैं, तो उनसे कब मिल सकते हैं? तो उन्होंने कहा बाबा जी नहीं, गुरु जी बैठते हैं, आप ठीक जगह पे आए हैं, पर आपको आना पड़ेगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 6:30 ऑनवर्ड्स। तो मैंने कहा ठीक है। कह रहे आज बुधवार है, आप कल आइएगा, कल वीरवार को 6:30 बजे गुरु जी बैठते हैं। तो नेक्स्ट डे थर्सडे मैं अपनी मदर को साथ लिया और 6:30 हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए। बिल्कुल पता कुछ भी नहीं था, तो जैसे मदर ने बताया था बस उन्हीं के साथ चलते चलते हम वहां पहुंचे। वहां लाइन में लग गए, मत्था टेका गुरु जी को और बैठ गए। संगत चल रही थी, तो शब्द गुरबाणी चल रही थी, चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया। उसके बाद 7:30-8 बजे के करीब सारी संगत खड़ी होना शुरू हो गई। हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम भी खड़े होने लगे फर्स्ट टाइम था। तो मुझे आज भी याद है कि एक आंटी मेरे साथ बैठी थी, वो कहती आप बैठे रहिए अबाउट टर्न हो जाइए। तो मैं अबाउट टर्न हो गया, हमारे बीच में चटाई आ गई लंगर की और हमें लंगर मिला। उस दिन लंगर किया और हम घर आ गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सूदिंग लगा, कहाँ लगा ऐसे लगा पता नहीं जैसे हम कहाँ आ गए हैं। इतनी परेशानियां तो देखो ह्यूमन लाइफ है, तो परेशानियां तो रहेंगी, सारी टेंशनें परेशानियां तो रहती हैं। तो उस दिन के बाद मैंने रेगुलर जाना शुरू कर दिया एम्पायर स्टेट। मम्मी जाए ना जाए या कोई घर से जाए ना जाए, मैं अपना ऑफिस से शाम को मैं रोज एम्पायर स्टेट जाने लग गया। तो ऐसे धीरे 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 गुरु जी अपने साथ जोड़ते गए। तो हमारा चलता रहा 1-1.5 साल तक, गुरु जी के साथ जाना, मत्था टेकना। एक चीज ये थी, जैसे ही हम एम्पायर स्टेट के गेट के अंदर एंटर होते थे, मन में बहुत विचार होते थे, बहुत परेशानियां होती थी, बहुत बातें चल रही होती थी, पर जैसे ही हम एंटर होते थे गेट से एम्पायर स्टेट के, सब सिनेरियो चेंज हो जाता था। और जब जाके गुरु जी को मत्था टेक के सर उठाते थे, ऐसे लगता था कि गुरु जी ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया और हम सब भूल गए हैं, और उसके आगे बाकी अगले 4-5 दिनों के लिए हम बूस्टअप हो जाते थे। तो ऐसे चलता रहा, और कोशिश यही होती थी कि तो आज 4 दिन चले जाएं, कोई सेवा मिल जाए वहां पे हमें गुरु जी के पास। तो ऐसे करते करते एक हमारे बत्रा अंकल हुआ
करते थे, इज अ वेरी गुड पर्सन, अब वो चले गए नहीं रहे, तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एसोसिएट्स था, तो उनकी सेवा लगती थी वहां पे, पेंट वेंट का कोई काम होता था, बीइंग ही इज इन शालीमार पेंट्स, तो उन्होंने कुछ भी बोलना भी यहाँ कुछ चीज की जरूरत है, तो हम भाग भाग के वहां देने जाते थे। तो एक बार एम्पायर स्टेट में पेंट चल रहा था, तो मेरे को एक सेवा मिली भी ये कुछ चीज कम हो गई है, तो आप योगेश अंकल दे जाओगे फटाफट, काम में रुक जाए। मैंने कहा ठीक है अंकल हम आ जाते हैं, हमें तो मौका चाहिए होता था गुरुजी के पास पहुंचने का, तो स्कूटर पे वो सामान रखा, थोड़ा सा ही सामान था, पेंट ब्रशेस से लेके वहां पहुंच गए, वहां दिए तो उधर से अंदर से आगे हुई भी अंदर कोई नहीं आएगा, सामान बाहर से दो और छुट्टी। और हमारा ये होता था कि अगर हम मंदिर पहुंच गए एक बार हमें मत्था टेकने दो, चाहे बाहर से दो मिनट बैठने दो, कोई जल प्रसाद मिल जाए, लंगर मिल जाए, तो उन्होंने कहा जी नहीं आज्ञा नहीं है, कोई जल प्रसाद नहीं मिलेगा, अभी आप जाइए अभी काम चल रहा है अंदर। तो जैसे ही मुड़े तभी अंदर से किसी की आवाज आई, तो गुरु जी ने बोला जो भी बाहर है सबको लंगर प्रसाद करके जाना है। चलो जी उस दिन हमें लंगर प्रसाद मिल गया। तो ऐसे ही एक दिन बत्रंकल का फोन आया, कह रहे बड़े मंदिर में पेंट का काम चल रहा है योगेश, और वहां लेबर लगी हुई है, तो मेरे साथ चल। हम कभी बड़े मंदिर तब गए नहीं थे, तब मेरे ख्याल शिवरात्रि का फंक्शन था, तो उससे पहले पेंट का काम और वो सारी सफाइयां चल रही थी। तो मैंने कहा चलो अंकल बहुत अच्छी बात है, आज तक सुना ही सुना था, अभी तक हम गए नहीं थे। तो मैं उनके साथ बड़े मंदिर पहुंच गया, हमने वहां दर्शन किए, पहले गेट पे माली अंकल ने चाय प्रसाद पिलाया, गुरुजी ने कहा गुरुजी की आज्ञा होगी उस टाइम की सत्संग करना, तो बत्रा अंकल के साथ बैठ के माली अंकल ने अपना सारा सत्संग किया, फिर अंदर सारा काम वाम जो देखना था उन्होंने देखा, और साथ साथ हम सब से बात करते करते अपना वापसी, संडे का दिन था, तो गुरुजी कहते गुरुजी के पास जाने का प्रोग्राम ऐसे बना कि बत्रंगल कहते हैं गुरुजी ने बोला भी नई संगत लेके आओ, आज हमारा दिन तो है नहीं गुड़गांव वालों का, तो हम आपको नई संगत बना के ले चलते हैं। मैं कहा चलो बड़ा मंदिर का भी दर्शन हो गया, आज एम्पायर स्टेट भी मत्था टेक लेंगे संडे के दिन। अंकल के साथ हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, तब गुरुजी गद्दी बैठे नहीं थे और संगत काफी आ गई थी, 5:30-7 का टाइम था, किचन के पास चेस्टर है वहां बैठ गए हम तीनों जाके मत्था टेक के, गुरुजी की एंट्री किचन से हुई और वो चेस्टर पे बैठ गए आके, और बत्रा अंकल को इशारा किया कि अंकल की कर रहे मंदिर आओ, उन्होंने अपना हाथ दिया गुरुजी ने, वो उनके हाथ की सेवा कर रहे हैं, दबा रहे हैं और साथ साथ सारा कुछ बताते जा रहे हैं, गुरुजी ऐसे ऐसे इतनी लेबर लगी है, मतलब करना कराना तो सब गुरुजी ने, ये तो सब बहाना होता है हमारे को ब्लेस करने का, तो गुरुजी ऐसे ऐसे है, तो लेबर कह रही कि 2 दिन पहले काम कम्प्लीट हो जाएगा, इन बिटवीन चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद लेके फिर जब सारी बात होगी तो गुरुजी ने कहा अच्छा चलो अब छुट्टी आ गया। हमने उनको मत्था टेका, तो गुरुजी चेस्टर पे बैठे थे, एक चरण उनके नीचे थे, एक लटक रहा था, पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने उनके चरणों के नीचे हाथ रखे, अपना माथा उनके चरणों पर रख दिया, जैसे आप क्रिस क्रॉस करते हैं किसी चीज को पेन से, ऐसे गुरुजी ने अपने अंगूठे से मेरे माथे पे ऐसे ऐसे किया और चलो छुट्टी, ऐसे जैसे इशारा देते हैं अंगूठे से चलो छुट्टी, बाहर आ गए। बाहर आए तो जब गाड़ी में बैठे तो अंकल का हाथ आंटी सूंघे तो उनको खुशबू आए गुलाबों की, उनका बेटा भी था साथ में, अब आंटी का योगेश को भी थोड़ी सी ब्लेसिंग दो। मैं जब उनका हाथ सूंघता था तो मुझे मिट्टी के तेल की स्मेल आती थी, क्यों, क्योंकि हम खुद भी थोड़ा सा अपने हाथ से पेंट करके आए हुए थे मंदिर में, तारपीन की स्मेल मिट्टी के तेल जैसी होती है। एम्पायर स्टेट से लेके गुड़गांव पहुंचने तक आंटी बार बार अंकल को 30-40 बार आंटी ने बोला नहीं देखो शायद अभी आ जाए गुरुजी खुशबू योगेश को अभी आ जाए, मेरे को बिल्कुल नहीं आई। तो वही गुरुजी की मर्जी होती है, 4 आदमी साथ बैठे हैं, किसको ब्लेसिंग देनी है और कैसी ब्लेसिंग देनी है, किसी के लिए जैसे प्रसाद दिया वो मिठाई हो जाती है और किसी के लिए वो दवाई हो जाती है, तो मेरे को वो खुशबू आई नहीं। तो उसके बाद ऐसे ही चलता, तो एक और इस इन बिटवीन पेंट के टाइम का सत्संग है, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते थे कंपनी में, तो जब पेंट का काम चल रहा था अंकल को कहीं जाना था, तो अंकल ने उसको खड़ा कर दिया वहां पे कि तू काम देख मैं आता हूं शाम तक। तो उस दौरान गुरुजी आ गए नीचे, उन्होंने कहा हां जी कौन भाई, ऐसे पूछते हैं गुरुजी कौन है भाई तू, कहते जी मैं पेंट देख रहा हूँ बत्रा जी, वो गुरुजी के सामने तो कोई बोल नहीं पाते थे हम लोग,
वो बत्रा जी खड़ा करके गए हैं, तो अच्छा काम अच्छा कर रहा है तू, ठीक है। गुरु जी ने ना उसके सर पे हल्का सा हाथ रख के जैसे आशीर्वाद देते हैं, अच्छा चल ठीक है, गुरु जी चले गए। वो जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था वो एक जाट था और अच्छी फैमिली से था, उनकी एक एजेंसी रुकी हुई थी मारुति की, वर्कशॉप उनको मिलनी थी और बड़ी अच्छी लोकेशन पे उनका प्लॉट था, सब कुछ था, पर किसी न किसी कारण से प्रॉब्लम हो जाती थी। जिस दिन उसको गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, उसके ठीक तीसरे महीने में उसने कंपनी छोड़ दी और अपना वर्कशॉप जो है उसको वर्कशॉप अप्रूव हो गई, सारी कंस्ट्रक्ट हो गई, और वो सिर्फ एक आशीर्वाद से ही सिर्फ उतनी देर में गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब गुरुजी तो ब्लेसिंग देते रहते हैं हमें, हम उसको समझ नहीं पाते, अपना दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं, ऐसे कर लें वैसे कर लें, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। गुरुजी भी कहते थे अपनी अकल और रफल ना बाहर बूटा चला के आया करो, अगर कुछ लेना है तो कम से कम बर्तन तो लाओ खाली और साफ, ताकि मैं उसमें डाल तो सकूं कुछ। तो ऐसे चलता रहा हमारा गुरुजी के पास, जर्नी कंटिन्यू रही। तो एक बार भैया दूज वाले दिन का बहुत बड़ा सत्संग है ये, मेरी सिस्टर दिल्ली रहती है तो वो आती है भैया दूज वाले दिन तिलक करने, तो मेरी शॉप है सिकंदरपुर में, तो पापा को वहीं तिलक लगा देती थी और मैं अब सिस्टर के साथ और जीजे के साथ अपने घर आ जाता था, वहां तिलक लगवा के अपना लंगर करके हम आराम कर लेते थोड़ा, फिर वो चले जाते थे या शाम को रहते थे। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मम्मी कहती है पापा को खाना दे क्या 3:30-4 बजे। मैं कहा मम्मी पापा का ना वहाँ बच्चों का लंगर आता है तो पापा फ्रेश सब्जी मंगवा के वहां खा लेते हैं अपनी, बनवा के रेस्टोरेंट वाले से। नहीं तू लंगर दे क्या, दे क्या। 3:30-4 बजे मैं अनमने उठता हूँ और मेरे पास इंडिका थी, दिल्ली बाईपास जो बना है गुड़गांव से मेरोली की तरफ जाने के लिए, वहां मुझे नहीं पता चलता कहां से मेरे आगे एक लेडी आ जाती है और मैं उसको हिट कर देता हूँ। मेरी 60-70 से ऊपर की स्पीड थी, उसको हिट करके मैं 500-700 मीटर आगे निकल जाता हूँ और मुझे तब समझ आता है कि मैंने किया क्या है। वो थर्सडे का दिन था, तो मैं जब मेरे को होश आता है कि मेरे से क्या कितनी बड़ी वो हैपनिंग होगी है, मैं अपनी गाड़ी रोक के गाड़ी बैक करके आता हूँ, तो बहुत सारे लोग ना एकदम से मारने के लिए दौड़ते हैं, पर जैसे ही मैं निकलता हूँ, क्योंकि बीइंग में वहां का नोन हूँ उस 1 किलोमीटर के इलाके का पूरा, तो सारे कहते हैं अरे तेरी गलती नहीं है बेटा तू है। मैं कहती गलती नहीं है पर देखो तो सही, हो ज्यादा मतलब सीरियस तो नहीं होगी लेडी। तो बड़ी मुश्किल से लोग उसको हाथ वाथ लगा के ना मेरी गाड़ी में डालते हैं, मैं उसको लेके और मैं उस लेडी को लेके ना, मेरा एक दोस्त का क्लिनिक है सिकंदरपुर में, तो मैं उसमें लेके आता हूँ, उसको फोन करके आता हूँ कि यार देख यार एक एक्सीडेंट हो गया। तो जब वो चेक करता है उसको, तो वो कहता है यार ये तो टांग 3 जगह से ब्रेक हो चुकी है। तो मैं फिर किसी से बात करता हूँ आगे हॉस्पिटल में, तो एक बजाज फ्रैक्चर क्लिनिक है गुड़गांव में, वो उनके फ्रेंड थे डॉक्टर साहब, तो उनसे बात करी, तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं भी एक काम करो इसको फर्स्ट एड दे के ना फटाफट यहीं ले आओ। तो उसको फर्स्ट एड दे के सारा वो बांध के फटियां वगैरह लगा के और हम उसको ना वहां गुड़गांव ले जाते हैं। तो वहां तो जब चेक करते हैं वो कहते हैं योगेश ये तो बड़ा ऑपरेशन होगा और हम रात को ही कर पाएंगे, अभी तो पहले इसकी सारी तैयारी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी आप मेरे को वो एक जो अमाउंट है वो बता दो, एक बार बता दो ताकि मैं अरेंज करके आपको दे दूं, बार बार मुझसे मत कीजिएगा अभी इतने पे इतना अमाउंट इतना अमाउंट। कहते चलो हम वो तो हम बता देंगे आपको, आप अभी रुको। तो इन बिटवीन उस लेडी की बेटी और उसका दामाद, बस दो ही लोग आते हैं, तो उनको डॉक्टर साहब बिठा लेते हैं और पेपर मंगवा लेते हैं कोर्ट से और उनसे साइन। में पेपर क्यों साइन करवा रहे हो डॉक्टर साहब, कह रहे देखो आप तो इंसानियत के नाते ये काम करवा रहे हो, कल को फिर आप पे ये केस कर दें कोई। मैं उस टाइम मेरा पोजीशन ऐसी थी कि मैं बड़ा घबराया हुआ था, मैं डॉक्टर साहब आप काम करो गुरुजी बैठे हैं सब देखेंगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है तू जाओ। 6:30-7 वहीं हो चुके होते हैं हॉस्पिटल में, मैं बाहर आता हूँ इतना मैं बहुत घबराया होता हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ के आधा 1.5 घंटा ना रोता रहता हूँ। फिर डॉक्टर बाहर आता है दूसरा वाला जो मेरा फ्रेंड, कह रहा है भाई क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ सीरियस, ठीक है एक एक्सीडेंट हुआ है बड़ा हुआ है कोई बात नहीं हो जाएगा तू घबरा मत। तो
अब मैं घर भी नहीं जाऊं, मेरे को डर लगे, तो मैं सीधा वहां से ना एम्पायर स्टेट के लिए निकल जाता हूँ। तो एम्पायर स्टेट जब मैं पहुंचता हूँ तो थोड़ी सी संगत होती है उस टाइम वहां पे, जो मुझे नोन में है वो राहुल अंकल और साहू अंकल आई एस है, वो भी बैठे होते हैं, सिंगला अंकल, पांच छह लेडी आंटियां होती हैं और एक दो संगत होती है। तो मैं गुरुजी को मत्था टेक के एम्पायर स्टेट में और बाथरूम वाली साइड बैठ जाता हूँ बार बार, मतलब छुप के मैं गुरुजी को देखता हूँ, गलती तो मैं कर रहा हूँ बहुत बड़ी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं प्रे कर रहा हूँ गुरुजी उसको ठीक करो, मेरे को माफी दो। तो चाय प्रसाद आता है, हमारे को एक संगत और आ जाती है, वो डॉक्टर साहब भी हैं, वो मेरे साथ बैठ जाते हैं, चाय प्रसाद आता है, हमारे को एक चटाई लगा देते हैं बीच में, फिर हमें लंगर मिल जाता है। जब हम लंगर कर रहे होते इतने में पांच सात संगत और आती है, तब टाइम हो जाता है राउंड अबाउट पौने दस, दस के करीब का टाइम था, तो संगत पांच छह संगत और आती है, तो गुरु जी कहते हैं आओ भी अमरीका वालों बिठाओ इन्होंने भी लंगर कराओ। वो कहते हैं हम तो जी डिनर का करके आए, वो कहते हैं नहीं नहीं इनको लंगर कराओ। तो गुरु जी उनको दोबारा लंगर कराते हैं, उसके बाद फिर गुरु जी हलवा प्रसाद बनवाते हैं, हमें वो प्रसाद मिलता है। तो ये सारे उसके अंदर साढ़े सवा दस, सवा ग्यारह, साढ़े ग्यारह का टाइम हो जाता है, तो गुरु जी उठते हैं गद्दी से और अपना बाहर निकलते हैं किचन से और चले जाते हैं, सारे थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। गुरु जी कहाँ गए हैं, कोई कहता जी वॉक पे जाते हैं, चलो हम बैठे होते हैं वेट कर रहे होते हैं गुरु जी की। गुरु जी वापिस आते हैं साढ़े बारह पौने एक के बीच में, गुरु जी वापिस आते हैं, गुरु जी ने व्हाइट शूज पहने होते हैं रिवॉक के, तो वो आज भी याद है। गुरु जी उतार के राहुल अंकल को देते हैं, सब उनको मत्था टेकते हैं, जोड़ों को, जोड़े बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे बिल्कुल जैसे आपने डिब्बे में से निकाले होते हैं, हम मत्था टेक देते हैं। तो गुरु जी गद्दी ना बैठ के पैर सेट में गद्दी के साथ दीवार है, वहां तकिया लगा के पीछे बैठ जाते हैं और कहते हैं आंटी पकौड़े नहीं खाए बड़े दिन हो गए, पकौड़े बनाओ आज। आंटियां बहुत खुश होती हैं, पांच सात आंटियां जो उस टाइम बैठी थी उसमें चार पांच आंटियां जाती हैं, पकौड़े बन के आते हैं, चटनी बन के आती है, चाय प्रसाद आता है, वो हम सबको मिलता है प्रसाद, गुरु जी कराते हैं लंगर उसका पकौड़ों का। तो मुझे मतलब दैट प्रसाद इज वेरी डिवाइन प्रसाद, जो चटनी उस दिन बनी थी वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब डिवाइन। ये सब लंगर वंगर हो जाता है तो गुरु जी वहां एक अम्मा जी होती हैं, तो उनको इशारा होती हैं, उनको इशारा करते हैं जाओ ऊपर से प्रसाद लेके आओ। तो ऊपर से ना ड्राई फ्रूट का थाल लाती है कवर्ड बिल्कुल पैक, गुरु जी को देते, गुरु जी अपने हाथ से फाड़ते हैं और मुट्ठी भरते हैं और इशारा करते हैं। तो मैं भी सबके बीच में पीछे बैठा होता हूँ, तो इशारा करते हैं तो सब कहते हैं आप योगेश अंकल आपको बुला रहे। मैंने कहा पीछे बैठे हैं, अभी आगे सारे बड़े बैठे हैं, वो जाए पुरानी संगत इतनी बैठी है। तो मैं थोड़ा सा ये चखता हूँ कि शायद मेरा नंबर नहीं है ये। तो इतने में गुरुजी फिर दोबारा आवाज इशारा करते हैं, तो सारे कहते हैं नहीं आप पे बुलाएं। मैं जाता हूँ गुरुजी को मत्था टेकता हूँ, गुरुजी ऐसे मुट्ठी भर के प्रसाद देते हैं, वो मतलब वो ड्राई फ्रूट प्रसाद मेरे हाथ में नहीं आता, मैं अपनी टी शर्ट में डाल लेता हूँ। गुरुजी कहते हैं जाओ कल्याण। मैं रात को घर पहुंचता हूँ डेढ़ पौने दो बजे के बाद अपने घर और मैं सो जाता हूँ। सुबह मैं उठता हूँ अपना, उठ के मैं अपनी शॉप पे जाता हूँ साढ़े दस ग्यारह बजे, और बहुत डरते डरते बारह साढ़े बारह एक बजे मैं डॉक्टर साहब को फोन करता हूँ गुड़गांव। मैं कहा डॉक्टर साहब वो ऑपरेशन कैसा रहा? डॉक्टर साहब कहते बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया उस लेडी का, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, सक्सेसफुल रहा। तो मैं पूछता हूँ मैं शुरू कब किया था डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहते हैं भाई साहब पौने बारह के करीब शुरू किया था, साढ़े बारह पौने एक खत्म हो गया था, और दैट टाइम व्हेन गुरुजी जब अपनी गद्दी से उठ के बाहर सैर करने के लिए गए थे, एकदम से दिमाग होता है कि गुरुजी सैर करने नहीं गए थे, उस लेडी का कल्याण करने गए, मेरा ही कल्याण करने गए थे, उस लेडी को ठीक करने गए थे। अब जिस पॉइंट पे मैं बैठता हूँ एमजी रोड के ऊपर सिकंदरपुर में, उस रोड के सामने से कोई निकले गाड़ी लेके वो मेरे को देख लेगा, मैं उसको देख लूंगा कि गाड़ी में बैठा कितने लोग बैठे हैं और मैं बैठा हूँ तो मेरे को भी देख लेंगे बैठा। तो मेरे को बहुत डर लगा कि मैं अब बैठूंगा अगर बाई चांस उनका कोई जानकार आ जाए या कोई आ जाए पाप। मैंने अपने घर में भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया ये मैंने जाके आठ दस महीने बाद ये शेयर किया सत्संग अपने घर में भी। मैंने कहा पापा को पता चल गया, पापा बहुत मारेंगे डांटेंगे भी। पर उस दिन के बाद आज तक
ना कभी उस लेडी को मैंने देखा, ना कभी उन उसकी बेटी जमाई और कोई रिश्तेदार, या उसका कभी जिक्र नहीं हुआ। पता नहीं गुरुजी ने मेरा क्या काटना था, कौन सा ऐसा कर्म था इतना बुरा जो गुरुजी ने वहां काटा, और उस लेडी को भी ब्लेस किया और मेरे को भी ब्लेस किया। इसके बाद शुक्राना ही शुक्राना शुक्राना ही शुक्राना निकलता था हमारा। हमारे लिए तो गुरुजी सब कुछ है, सबके लिए। तो फिर ट्रैक पे आ गई गाड़ी, फिर नॉर्मल कर दी गुरुजी ने लाइफ। फिर हम चलते रहे गुप्ती को जानना, रूप एम्पायर स्टेट पहुंच जाना। फिर बीच में एक टाइम ऐसा आया गुरुजी ने कह दिया भी अब हर एक का एक दिन हो गया, गुड़गांव वाले आएंगे थर्सडे या सैटरडे, अगर उन्होंने बीच में आना है, कोई आना चाहता है तो नई संगत लेके आए। हम फिर भी अपनी तरफ से चलो जी, कौन जानता है हमारे को, हम गुड़गांव से आ रहे हैं, हमने जाना शुरू कर दिया रेगुलर। फिर एक दिन बीच में इशारा हो गया, एक दिन आना सिर्फ, तो एक दिन जाना शुरू कर दिया थर्सडे वाले दिन। तो ऐसे रेगुलर जाना और अपना बैठ जाना वहां, और हमारी कोशिश ये होती थी कि हमें नीचे जगह मिल जाए ग्राउंड फ्लोर पे, जैसे बचना तो है ही, बच्चे तो है ही गुरु जी के। हम क्या करते थे, हमें जहां जगह दिखती थी वहां ना जाके बैठ जाते थे, मत्था टेक और आंखें बंद करके जैसे ध्यान लगाया हुआ है। तो इतने में एक कक्कड़ अंकल हुआ करते थे, वो आते थे, गुरु जी कह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे चलो। हम कहते थे अंकल ध्यान लगाया हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, गुरु जी कह रहे हैं ध्यान ऊपर जाके लगाना है, ऊपर जाओ। तो हम ऊपर चले जाते थे। ऐसे एक दिन थर्सडे वाले दिन मत्था टेका, तो अंकल ने बहुत तेजी से डांटा, क्या कर रहे हो? मैं कहा अंकल आप मत्था भी ना टेकेंगे गेट के ऊपर? नहीं नहीं आप अंदर जाओ, लाइन में लगो फटाफट, प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है। तो हमने कहा ठीक है, पहली बार ही सुना था कि डिवाइन प्रसाद मिल रहा है, ठीक है। दैट डे गुरु जी प्रोड्यूस डिवाइन प्रसाद, प्रोड्यूस कर लिया था गुरु जी ने, और दे रहे थे सर, लाइन लगी हुई थी, थोड़ा सा मिला गुरु जी कृपा से हमें भी। वो प्रसाद जब हमने अपने मुंह में रखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा नेक्टर ही जा रहा है अंदर। अब जब सबसे सुनते हैं कि गुरुजी डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस करके देते थे लोगों को, तो वो मतलब वेरी लकी। तो हमें लगता देखो उस टाइम तो इतनी समझ ही नहीं थी, गुरुजी ने प्रसाद दिया, हाँ डिवाइन प्रसाद दिया, ले लिया। ऐसे ही गुरुजी ने एक दिन थर्सडे वाले दिन बोला बाउल्स लगाओ सारी फोटो के नीचे, अमृत निकलेगा। सिंगला अंकल थे और दो तीन सारी स्वरूप मार्कशीट में लगे हुए थे, नीचे बाउल लगाए थे, अमृत आ रहे हैं उनमें, बाउल में भर गई और अमृत भी कुल की तरह था। हमें दो तीन चार बार लिया और जाके बार बार लाइन लग के तो डांट भी पड़ी। तो वो अमृत जब गले से नीचे जाता था तो वो बताता था, जैसे हम सुनते थे भी गुरुजी डिप करके अमृत बना के सबको देते थे अपनी माला से, तो सेम हम उन सबसे पूछते भी ये कह रहे जी नेक्टर जब आप अमृत जब आपके गले से नीचे जाएगा तो बताता है कि अमृत है। तो वो भी बड़ी गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली हमें। तो उसके बाद धीरे धीरे हम मतलब कोई मंदिर नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, सब छूट गया हमारा, कहीं आना जाना नहीं, मंदिर गुरुजी, मंदिर गुरुजी, मंदिर गुरुजी, बस हमें गुरुजी ने इतना अपने साथ वो कर लिया कि कोई फंक्शन हो, कोई बर्थडे हो, नहीं मंदिर जाना है। बच्चे भी कहते थे मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, तो हम लोग मंदिर जाने लगे। इन बिटवीन मैं आप अपनी मदर का कर देता हूँ। मेरी मदर की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हमारा जो फैमिली डॉक्टर है तो उसको जब बताया तो उसने कहा भी तुम एक काम करो, वहां पे ना डॉक्टर प्रवीण चंद्रा है मेदांता में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इसका, तो मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया, तुम वहां चले जाना। मैंने कहा ठीक है हम चले जाएंगे दो दिन बाद, उन्होंने बोला चले जाना। इन बिटवीन एक दिन रात को मदर की थोड़ी तबीयत खराब हुई, उन्होंने कहा जी मुझे ना बड़ा अनईजी सा लग रहा है। हम रात को 2 बजे उनको हमारे एक हॉस्पिटल हुआ करता था वहां ले गए, तो उन्होंने कार्डी उनको चेक करा उनका, जब तो कह रहे नहीं यार थोड़ी सी ना उसमें दिक्कत आ रही है, इनकी ना हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम इनको दाखिल करना पड़ेगा। हमने कर लो दाखिल,
अगले दिन मेरे हमारे कोई रिलेटिव थे, वो आए कह रहे चलो हम आर्टिमिस ले चलते हैं आपको, मैं हमारे जानकार हैं वो डॉक्टर मान मान है वहां पे, तो ठीक है। अब डॉक्टर साहब के पास ले गए, उन्होंने कहा जी वो हो ठीक टाइम पे ले आओ, इनको तो एंजो करनी पड़ेगी, स्टंट डालना पड़ेगा, नहीं तो बचेंगे नहीं ये। मैंने कहा अब डॉक्टर इतना डराते हैं हमको, चलो हमने गुरुजी का नाम लिया, हमने कहा चलो करो दाखिल, ऐसे वैसे जमा करा दी सारे मम्मी के हमने जितने उन्होंने बोले। अब चार दिन हो गए, कह रहे जी एंजो नहीं होगी, इनका तो ना बड़ा ऑपरेशन होगा, हार्ट वॉल लगेगा, आप बता दो कितने वाला लगवाना है, 2.5 लाख का, 1.25 लाख का। हमने कहा जी अच्छा ही लगवाएंगे, आप एक बार हमें पूरा बजट तो बता दो कितने पैसे लगेंगे। तो कह रहे जी वो आप सर्जन से बात कर लो, और सर्जन के पास जाओ बात करने, अभी टाइम नहीं है जी, अभी रुक जाओ, अभी बताएंगे। तो ऐसे करते करते ना हमारे हॉस्पिटल में ही कम से कम 7 दिन निकल गए, और मम्मी HDU से रूम में आ गई, उन्होंने कहा जी अब रूम से इनकी प्रिपरेशन करके हम ऑपरेशन करेंगे इनका बड़ा वाला, ठीक है। बट डॉक्टर्स के आगे हम बोल ही नहीं सकते कुछ, उन्होंने इतना हमको डरा दिया था, सारी फैमिली इकट्ठी हो गई। तो गुरुजी की कृपा ये हुई कि जिस दिन उन्होंने बोला भी हमारे प्रेशर देने पे भी हमने कल ऑपरेशन करना है, उस दिन हमारे फैमिली डॉक्टर का फोन आ गया, कह रहा भी मम्मी कहाँ है, मम्मी ठीक है। मैं कहा हाँ जी ऐसे ऐसे बात हो गई थी और मैं वहां ले आया था आर्टिमिस, तो ये प्रॉब्लम होगी। उसने हमें सारी रिपोर्ट्स के साथ अपने घर बुलाया दिल्ली, हम रिपोर्ट्स लेके गए उसके पास 3 बजे के करीब, 6:30 बजे तक उसने हमें फ्री किया। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, तुम जाओ सिर्फ इतना कह दो हमारे पास पैसे नहीं है, तभी वो तुमको छुट्टी देंगे हॉस्पिटल से, अदरवाइज नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, हमने गुरुजी का नाम लिया, हम गए जी, हमने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, अगर आप ऑपरेशन कर सकते हो तो कर दो कल, हम आपको पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे नहीं होता, आप फिर यहाँ साइन करो और अपनी मर्जी से आप पेशेंट ले जा रहे हो, अगर रास्ते में ले जाते हुए कुछ हो गया तो हम कुछ नहीं आपका करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। तो हमने डॉक्टर साहब को दोबारा फोन किया, डर गए। उन्होंने कहा भी तुम मानते हो, जब मेरी भी मानते हो, गुरुजी को भी मानते हो, फिर तुम घबरा क्यों रहे हो। हम नेक्स्ट डे मम्मी को वहां से रिलीज करा के उस दिन रात को मेदांता ले गए। तो वहां जब डॉक्टर ने चेक किया, जब हमने बोला भी ऐसे ऐसे हमें डॉक्टर तनेजा ने भेजा आपके पास, तो उन्होंने डॉक्टर तनेजा का ऊपर नाम लिखा और कहते मम्मी को कहते आप दवाइयां खा लोगे माता जी। मम्मी ने कहा हाँ जी पक्की बात है, हाँ जी। उन्होंने मम्मी को दवाइयां दे दी और वो दवाइयां आज तक चल रही हैं गुरु जी की कृपा से वो, और मम्मी को हार्ट के ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरु जी सिर्फ और सिर्फ उनको दवाइयों से ही आज तक, आज इस बात को हो गया 3-4 साल से ऊपर हो गया, मम्मी को गुरु जी ने दवाइयों से ही ठीक कर दिया और हार्ट का ऑपरेशन करवाने ही नहीं दिया। इसी तरह गुरु जी के साथ जर्नी चलती रही। फिर गुरु जी एक दिन छोला छोड़ गए, जब छोला छोड़ गए तो हमें तो ऐसा लगा कि भाई अब तो हमारे लिए जिंदगी बेकार हो गई है। क्यों? क्योंकि जब साक्षात सामने पिताजी बैठे हों या फादर बैठे हों तो बच्चों को कोई चिंता होती नहीं है। तो हमें तो ये होता था कोई भी प्रॉब्लम होती थी जाके गुरुजी को मत्था टेकना और अपना रिवाइव होके आ जाना फर्स्ट क्लास अगले टाइम के लिए और अपनी गाड़ी चलाते रहना। फिर गुरुजी ने छोला छोड़ दिया, बहुत सारी दिक्कतें आई, सब कुछ चलता रहा, पर गुरुजी ब्लेस करते रहे और आज भी ब्लेस कर ही रहे हैं सबको और ज्यादा ही कर रहे हैं। निराकार रूप में गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, इतनी संगत पे ब्लेसिंग करते हैं। 2016 में मेरे को किडनीज की प्रॉब्लम होगी, मेरी किडनीज ने काम करना बहुत स्लो कर दिया। तो ये गुरुजी का बर्थडे वाले दिन की बात है, मंदिर ही था मैं, तो मंदिर में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई तो सबने कहा भी योगेश तुम चले जाओ आराम कर लो, कोई बात नहीं। तो सेवा थी, मैं कहा चलो ठीक है, मैं अपनी सेवा छोड़ के और घर आ गया। मुझे नहीं पता, मतलब मेरी इतनी तबीयत खराब हो चुकी थी कि मुझे नहीं पता मैंने फॉर्चून वाले फार्म से कब गाड़ी उठाई, कैसे गाड़ी उठाई। गाड़ी उठा के अपने घर जलवायुटार में रहता हूँ, मैंने नीचे पार्किंग में गाड़ी लगाई और ऊपर कैसे आया, आके मैं लेट गया। मेरी तबीयत इतनी खराब, मम्मी वाइफ सब लगे रहे कि वो पूरा दिन 7 जुलाई का हमने घर पे ही पूछ पूछ के दवाई ये वो सब नारियल पानी सब चलता रहा। नेक्स्ट डे 8 जुलाई को मेरे को जबरदस्ती ये पीछे, मैं मान गया मैं डॉक्टर के पास, मैं कि चलो डॉक्टर के पास पीछे ले गए, हमारे अपोलो है तो वहां डॉक्टर
कहता है तुम व्हील चेयर पे क्यों, मेरे को बड़ी वीकनेस लग रही थी, तो मैंने कहा भाई व्हील चेयर मंगवा लो, मैं व्हील चेयर पे जाऊंगा अंदर। तो मैं व्हील चेयर पे डॉक्टर के पास गया तो आंटी ने सारा कुछ बताया, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और बहुत दर्दें भी हो रही है और बैठा भी नहीं जा रहा, तो सारी रात सोए भी नहीं, तो थोड़ा सा बता दिया भी इसको ना हल्के से शुगर भी है। तो उसने लैपटॉप भी बंद कर दिया अपना, कहता जी आप इनको ना किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हम आपके पास आए हैं तो कम से कम हमें फर्स्ट एड तो दे दो आप, फिर हमें जिस मर्जी हॉस्पिटल में भेज देना। तो उसने कहा ठीक है हम फर्स्ट एड दे दे। उन्होंने ना ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भेज के मेरे ड्रिप्स लगवा दी। तो एक है हमारे बाबा अंकल है, बड़ा प्यार है उनके साथ हमारे, शुरू से गुरुजी ने उनके साथ जुड़ा हुआ है। वो मंडे और फ्राइडे वो फैक्ट्री जाते हैं, तो जब वापिस आते हैं 2:30 बजे के करीब, तो वो हमारा फोन कॉल जरूर होता है, क्या चल क्या कर रहा है भाई कहाँ है। तो उस दिन मेरे ख्याल फ्राइडे था, तो उनका फोन आया, तो आंटी ने उठाया, क्या हो गया, कह रही योगेश ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा एक काम कर, एक 56 सेक्टर में ना अनंत मल्टी स्पेशलिस्ट किया, तो कह रहे तू ना वहां पहुंच जा, मैं फोन कर देता हूँ। मैं ठीक है। इतनी देर में मेरे फ्रेंड वगैरह आ गए, एक दो जो संगत के थे सारे, जिनको पता चला वो पहुंच गई, 2-3 फैमिलियां, तो आनंद में ले आए। तो आनंद में पहुंचे तो एक हमारे बहुत ही अजीज अंकल है मेरे, हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड भी हैं, ब्रिगेडियर सैनी, जो अब नहीं रहे, वो गुरुजी के बहुत क्लोज थे। तो उन्होंने, उनको पता चला, वो भी आ गए, हमारी भाभी है एक अश्मी भाभी, उनकी बहू जो है, तो वो उनको लेके आ गई फटाफट। तो उन्होंने सारा दिखा, वो कहता ठीक है। तो उन्होंने डॉक्टर अनंत से बात करी, सारे टेस्ट शुरू हो गए मेरे। अगले दिन सुबह जो टेस्ट रिपोर्ट आई, तो मेरी किडनी का क्रिएटिनिन वहां पे 4.95 आ गया। उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा जी हमारे बस का नहीं है, आप किसी और बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ। तो डॉक्टर अंकल ने सारी बात करके, सैनी अंकल ने अपना पारस में डिसाइड किया भी ये ठीक है हॉस्पिटल, हम यहाँ दिखा लेते हैं, अगर डॉक्टर ठीक है यहाँ का। तो मैंने कहा ठीक है जी। अब हमें तो जैसे जैसे गुरुजी ने ले जाना था, हमने तो सारा कुछ अंकल पे छोड़ दिया, अंकल और गुरुजी हमारे लिए बराबर ही बाड़ी थी। तो हम पारस पहुंचे, पारस में उन्होंने हमें एडमिट कर लिया, साथ के साथ ही टेस्ट शुरू हो गए। तो पारस में जब टेस्ट शुरू हुए तो क्रिएटिनिन ना जंप होना शुरू हो गया, हर दूसरे दिन क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, 4.95 से 5.95 चला गया, 6.75 चला गया, 7.75 चला गया। तो डॉक्टर कहने लग गया क्रिएटिनिन बहुत बढ़ रहा है, डायलिसिस भी करने पड़ सकते हैं, और मेरे को कुछ नहीं हो रहा, वीकनेस है ठीक है, गुरुजी कृपा है ठीक, सारी संगत मेरे साथ है, जो मेरे 5-7 फैमिली थी वो हॉस्पिटल में मेरे कमरों में बैठी रहती थी, गुरबाणी चलती रहती थी, हर रोज मंदिर से जो रात को वापिस आता था, चारों दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे जो भी वापिस आता था, वो पूरा लंगर प्रसाद लेके आता था मेरे लिए, और जो कि मेरे को 8 बजे जो डिनर मिल जाता था हॉस्पिटल से, उसके बाद मुझे कुछ लेना नहीं होता था, मुझे ड्रिप्स लग जाती थी 2, मुझे कुछ नहीं लेना, और मेरे पास लंगर आता था 10:30-11 के बाद, तो मैं वो पूरा लंगर अकेला करता था, पूरा लंगर आ जाता था ऊपर हॉस्पिटल में, मैं पूरा लंगर करता था, मेरे को पूरा विश्वास था गुरुजी पे। आंटी थोड़ा घबराई, पर फिर आंटी भी उन्हें सारा दिन मेरे पास आके बैठती थी संगत के साथ, सारी सब मतलब हंसी मजाक भी चलता रहता था और गुरुजी के सत्संग भी चलते रहते थे। और जिस रूम में मैं था उस रूम में 4 पेशेंट और थे, मेरे साथ के 3 बेड हर दूसरे दिन चेंज हो जाते थे, मतलब वो ठीक होके जा रहे हैं तो सब मजाक करते थे, कह रहे तू अपना बेड चेंज करा ले। मैं कह नहीं, ये भी गुरुजी की कृपा है कि चलो आप सत्संग चल रहे हैं, गुरबाणी चल रही है, गुरुजी का गुणगान हो रहा है, तो लोग ब्लेसिंग हो रहे हैं वहां पे सारे आपस में। तो अब जब क्रिएटिनिन 7.75 आ गया तो हमें भी डाउट हुआ, सबने कहा जी पारस की थोड़ी सी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है, ये गलत रिपोर्ट्स भी देते हैं। तो हमने फिर अपना लैब वाला बुलाया एक दिन सुबह सुबह, उससे टेस्ट कराए, टेस्ट सेम आए जो पारस वाले ही दे रहे हैं हमारे। तो फिर अंकल ने कहा भी अब तो बड़ा मुश्किल है, करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, जो डॉक्टर कह रहे हैं, सैनी अंकल कहते हैं। सैनी अंकल पैरेलल चल रहे थे, मेरी सारी मेडिकेशन में सैनी अंकल पैरेलल चल रहे थे, जो डॉक्टर रिपोर्ट्स बना के जाता था वो पूरी रिपोर्ट की एक फाइल सैनी अंकल के पास पहुंच जाती थी। सैनी अंकल अपने जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे जो उनके टाइम के थे, वो डीन कोई डीन बन गया था हॉस्पिटल्स में, कोई अपोलो में कोई कहां, तो वो उनके साथ सारा करते थे भी ऐसे ऐसे है बच्चा, ये वहां पे है कैसे करना है, इसके लिए डायलिसिस कह रहे हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
तो इस सारे प्रोसेस में पता चला भी उनके एक फ्रेंड का जूनियर निकल आया, डॉक्टर जो मेरे को चेक कर रहा था, उन्होंने उससे फोन करवा दिया। उसका रवैया थोड़ा ठीक नहीं था, मतलब गुस्सा खा जाता था जब हम रिपोर्ट मांगते थे, तो उसके बाद उसका रवैया भी गुरुजी ने ठीक करवा दिया। आज क्या जितनी रिपोर्ट्स बनती थी, दो फाइल बन जाती थी, एक मेरे पास आ जाती थी, एक मेरे फोल्डर में लगी थी, मेरी वाली अंकल के पास चली जाती थी। तो ऐसे करते करते क्रिएटिनिन चला गया 9 point something। तो 9 point something में डॉक्टर भी घबरा गए। वो आके ना मेरे मेरे जो ड्रेस मिली होती थी, कह रहे तेरे को कुछ हो नहीं रहा, स्किन का कलर नहीं चेंज हो रहा, कोई मतलब अंदर कुछ लग नहीं रहा तेरे को। मैं कह मुझे कुछ नहीं लग रहा, मैं तो ठीक हूँ। मैंने उनको ये तो बताया नहीं था कि मैं तो रोज रात को गुरु जी का लंगर ले रहा हूँ, जल प्रसाद दे रहा हूँ, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो फिर कहते अब तो पॉसिबल है जी, अब तो हमें ना डायलिसिस तो स्टार्ट करना पड़ेगा आपका, तभी बात बनेगी। तो मैंने अंकल को बोला, मैं अंकल ऐसे ऐसे बात है। अंकल कहते चलो, अंकल ने एक दो दिन का टाइम लिया। तो अंकल कहते चलो ठीक है, डायलिसिस के लिए इनको हम बोल देते हैं, अंकल करो, चलो करो, अब जरूरत है तो। डायलिसिस के लिए ना कट मार के गले पे सॉकेट लगाते हैं। तो जिस दिन मेरा सॉकेट लगना था, उस दिन पूरे हॉस्पिटल में ना तो कोई किसी जो जहां ये प्रोसीजर होता है कोई खाली था बेड, कुछ मेरे को स्ट्रेचर पे ही ले गए यार। इतने मतलब ऐसे वार्ड में ले गए जहां 10-12 बेड थे, क्रिटिकल, बिल्कुल बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं ना, मतलब मुझे देख के डर लग रहा था। उनके दो क्रिटिकल पेशेंट्स के बीच में मेरा स्ट्रेचर डाला और मेरे को एनेस्थीसिया दिया उन्होंने, और कहते हैं अभी 5 मिनट रुको, अभी कर रहे हैं। सामने बैठे हैं डॉक्टर, कॉफी पी रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, तो वो आवाज मारे भी कर दो इनका यहाँ सॉकेट, अभी लगाते हैं, 10 मिनट लगाते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एनेस्थीसिया दिया हुआ है, मैं भी एनेस्थीसिया में हूँ, पर मुझे सब पता चल रहा था मेरे गले को, उन्होंने कब कट मारा, कब सॉकेट डाला, कब सील किया। इस सारे प्रोसीजर में ना मेरे पास एक क्लच मिला, मतलब गुरुजी का एक वो पहले प्लास्टिक का मिलता था पॉकेट पे लगाने वाला, गुरुजी देते थे ब्रॉच, तो वो मैं हमेशा एक अपने पास रखता था, वो मेरे हाथ में हमेशा रहता था, बस गुरुजी का नाम जपते रहना, ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। तो सॉकेट लग गया, फिर 2 दिन हो गए, जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती तब तक कोई काम नहीं होता। हमने सबने जोर लगा लिया, अब जिस दिन डायलिसिस गुरुजी ने करवाना था वो शाम 6:30 बजे मेरा डिसाइड हुआ, डॉक्टर ने कहा अब करना पड़ेगा। उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरा एक सिर्फ स्कूल फ्रेंड था जो बचपन से मेरा दोस्त है, वो और मैं थे। तो मैंने कहा भाई बुला ले, कह रहा क्या बुलाना, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी को अभी फोन कर देंगे ना कि डायलिसिस शुरू हो रहा है, तो सारा हॉस्पिटल में सारे लोग आ जाएंगे, 10-15 लोग आ जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ले गए मेरे को नीचे, वेट किया उन्होंने पहले मेरा, और बेड पे लेटा दिया, और डायलिसिस के लिए सॉकेट में वो पाइप लगा दी। डर भी बहुत लगा भाई, डायलिसिस ब्लड निकलेगा सारा, फिर फ्लश क्लीन होके वापस जाएगा, तो डर के मारे मेरा 5-7 मिनट तो 3-4 बार मतलब जैसे स्टार्ट करें वो स्ट्रक हो जाए। डॉक्टर ने समझाया भी कराना तो पड़ेगा, शांति से आंखें बंद करके लेट जाओ, जिसको भी मानते हो उसका नाम लो, अपने इष्ट का गुरु का जो भी है, और इसको हमें करने दो। वो बड़ा लेंथी था मेरा पहला डायलिसिस हो गया। उसके बाद 7:30-8 बजे के करीब मैं वापस बेड पे, 8:30 बजे करीब मुझे वापस लेके आए, वेट मेरा काफी कम हो गया था, 4-5 किलो। तो उसके बाद सुबह फिर वही गुड मॉर्निंग 4 बजे टेस्ट के साथ होती थी, कम से कम 20-25 टेस्ट होते थे मेरे सुबह, तो उसमें क्रिएटिनिन का टेस्ट भी गया। तो टेस्ट की रिपोर्ट आई वो ठीक नहीं आई, उन्होंने कहा क्रिएटिनिन अभी ज्यादा से ज्यादा 2.2 या 0.3 नीचे हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुआ, और डायलिसिस करनी पड़ेगी। फिर 2 दिन डायलिसिस के लिए दिल्ली डाला, फिर 3रे दिन डिसाइड हुआ अभी अब करना है। तो जब वो दिन जब डायलिसिस के लिए मुझे ले गए, वो दिन में हुआ था सुबह 11:30 या 12 का टाइम था, डायलिसिस शुरू हुआ। तो उस दिन मतलब मुझे डर भी नहीं लगा, क्यों, जब मैं डायलिसिस रूम में मुझे लेके गए तो एक तो दिन का टाइम, एक 3-4 लोग एक तरफ लेटे हैं, 3-4 लोग उनमें बुजुर्ग भी थे, उनके डायलिसिस भी हो रहे हैं, कोई रेगुलर डायलिसिस वाले थे, उनके डायलिसिस भी हो रहे हैं, और वो कोई कॉफी भी पी रहा है, कोई ब्रेकफास्ट भी कर रहा है। तो एक तो उनको देख के थोड़ी सी हिम्मत होगी कि चलो अभी ठीक है, पहला तो पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अब दिख तो रहा है। उस दिन फिर जो डायलिसिस हुआ, तो उस डायलिसिस के बाद ना अगले दिन जो रिपोर्ट आई
वो ड्रास्टिक चेंज था। गुरुजी ने एकदम से ब्लेस किया था, मेरा क्रिएटिनाइन जो 9+ था बिल्कुल नीचे आ गया। हमारा होता है नॉर्मल 1.5 या 1.4, मेरा 1.4 आया। तो हमारी आंटी है वो कहती है, योगेश अभी किसी को बताना नहीं है हमने, ये आज ये जो गुरुजी ने ब्लेस किया हमारे को, अभी हमने किसी को नहीं बताना, एक हफ्ते बाद बताएंगे। मैं कहा ठीक है आंटी, जैसा आपको ठीक लगे, आप ही सब देख रहे हो। तो अब डॉक्टर्स ने डिसाइड किया भी ये जो प्रॉब्लम आई थी, अगर ये दोबारा आ गई तो ये 2-4 मिनट का टाइम देती है, नहीं तो रीनल फेलियर हो जाता। उनको ना एक कोई डिजीज का डर लग रहा था, अभी अगर वो है तो इसके लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी किडनी की। किडनी बायोप्सी का नाम अपने आप में बड़ा डरावना है। तो अंकल ने भी मना कर दिया, सैनी अंकल ने कह रहे नहीं ऐसे नहीं, किडनी इसमें किडनी ब्लीड भी हो सकती है, यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, मतलब बहुत सारे उन्होंने ना नेगेटिव गिना दिया हमारे को। डॉक्टर ने कहा भी इन चीजों को मान के चलना, ये हो सकता है बायोप्सी के टाइम पे, ये हो सकता है। तो चलो बायोप्सी 2 दिन के बाद अंकल ने भी फिर सबसे डिसाइड करके बायोप्सी करानी पड़ेगी, क्योंकि बायोप्सी के बिना कोई मतलब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे नहीं भाई, क्या क्यों हुआ कैसे हुआ, अगर ये वो प्रॉब्लम जो हम सोच रहे हैं वो है तो फिर आगे प्रॉब्लम ना आ जाए लाइफ में। चलो जी बायोप्सी का डेट डिसाइड हो गया और वो सामान रख के चले गए सारा, और बायोप्सी को वो प्रिक करने के लिए कितना बड़ा प्रिकर था उसको देख के डर लगे। तो पूछा मैंने, कहा जी ये किस लिए, कह रहे थे जब आपके पीछे से अंदर प्रिक करके अंदर से डाल के बायोप्सी का पीस निकाल के लाएंगे किडनी का। तो पहले 2-3 दिन तो मैं बड़ा परेशान रहा जी, नींद भी ना आए रात को डर के मारे। और बात वही है, गुरुजी करते रहते थे हम सारा दिन, ओम नमो शिवाय, कोई सत्संग सुना रहा है, भजन चल रहे हैं, कुर्बानी चल रही है, जो भी आ रहा है अपने मतलब बूस्टिंग पॉजिटिविटी दे रहा है। ऐसे ही एक दिन कमरे में मैं लेटा हुआ था, आंखें बंद थी, मेरे पास 5-6 संगत के लोग बैठे हुए थे। तो मैं प्रे कर रहा, मैं गुरुजी यहां तक ले आए, वो आगे भी ले ही जाओगे आप, कृपा आपने करनी है, हमारे पास का तो कुछ है नहीं। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई बाहर एकदम से, मोर बोले और मेरी आंखें बंद थी और मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा, कोई गल नहीं चंगा होएगा चंगा, मतलब गुरुजी आए हाथ, और हम दिमाग में ही आ रहा है एक बार और फेर दो गुरुजी हाथ, एक बार और फेर दो। पर वो बस वो उस कुछ सेकेंड्स का वो था जो एक आया और गुरुजी ब्लेस करके चले गए। और जब आंखें खोली तो सारे बैठे हैं, मैं एकदम से हड़बड़ा गया, मैं क्या देखो, अच्छा मैंने बोला नहीं किसी को कि ऐसे ऐसे मेरे को हुआ है कि गुरुजी हाथ फेर गए सर पे, चलो ठीक है। तो अब फिर बायोप्सी जब हुई तो बायोप्सी की 2 स्लाइड्स उन्होंने बनाई, तो वो उन्होंने मेदांता भेज दी, पारस से सारा जो बायोप्सी वगैरह ना वो मेदांता में ही होता है। तो मेदांता में चली गई, तो अब उसको टाइम लगना था, 5-7-10 दिन का लगता है उनको। इन बिटवीन मैंने उनको कहा, डॉक्टर्स को, मैं कहा देखो कि 10-15 दिन हो गए, अब तो ठीक भी लग रहा हूँ मैं, आप सबको से छुट्टी दे दो मेरे को। तो कहते अच्छा छुट्टी दे दें, मैं कहा हाँ जी दे दो प्लीज। तो कहता चल आज ना एक ड्रिप लगाते हैं, इसके बाद तेरे को छुट्टी दे देंगे आज हॉस्पिटल से। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने ड्रिप लगा दी, वो ड्रिप इतनी जो सुबह ड्रिप लगी मेरे को, वो ऐसे था कि जब वो लिक्विड अंदर जा रहा था मेरी वेंस में, तो मुझे बता रहा था कि जैसे अंदर आग लग जाती है ना, बिल्कुल जलन होनी, पूरी वेंस में जलन होनी शुरू हो गई। तो वो ड्रिप खत्म ही ना हो, मैं इतना परेशान हो जाऊं कि हर आधे पौने घंटे के बाद उस ड्रिप को रुकवाऊं 10 मिनट। ऐसे करते करते रात के 8:30-9 हो गए, वो आधी ही हुई ड्रिप सिर्फ। तो 9:30 बजे डॉक्टर साहब आए, कहते तू छुट्टी नहीं दे रही अभी तक। मैं कह जी आपने ड्रिप लगाई थी और आपने बोला था ये खत्म होगी, तो ये खत्म ही नहीं हो रही। उन्होंने नर्स को बुलाया, ड्रिप उतार दो इनकी। मतलब कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कभी भी आपको रात को छुट्टी नहीं देता, इस पोजीशन में कोई भी आपको रात को रिलीज नहीं करते। मेरा उन्होंने 9:30 बजे बिल बनवाया, सारा कुछ ओके किया, डिस्चार्ज पेपर बनाया, और मेरे को रात को 9:30-10 के बीच के टाइम पर उन्होंने मुझे, गुरुजी ने दबान से हॉस्पिटल से 10 बजे छुट्टी दिलवाई। ठीक है, अब मैं घर आ गया, कुछ दवाइयां कुछ टेस्ट रोज होने थे वो स्टार्ट हो गए। तो ऐसे करते करते 15-20 दिन निकल गए। मैं रोज फोन करूं, मैं कहा डॉक्टर साहब टेस्ट तो दे दो बायोप्सी के, क्योंकि हमने
हमारे एक आंटी बाहर रहते हैं कनाडा, मैंने आंटी, उन्होंने कहा योगेश तूने एक स्लाइड ना मेरे को देनी है, मैं यहाँ टेस्ट करवाऊंगी। कारण वो तो अपना बताएंगे, हम भी अपने तरीके से और एडवांस टेस्ट कराएंगे क्यों ऐसा हुआ। तो मैं अपनी स्लाइड्स मांगने जाऊं, तो मैंने फिर स्लाइड्स के लिए एप्लीकेशन दी। हमने कहा जी आप एक काम करो, हमारी कोई डिस्क्रिपेंसी चल रही है उसके साथ, आप इसको खुद ही जाके वो आप कर लो। मैं कहा ठीक है। तो मैंने एप्लीकेशन बनाई, फॉर्म बनाया, मैं मेदांता चला गया। मैंने मेदांता में जाके ना एप्लीकेशन लगा दी कि मुझे स्लाइड्स भी चाहिए और मेरी रिपोर्ट भी चाहिए। ठीक है जी, उन्होंने कहा 5 दिन लगते हैं। ठीक है, 5 दिन बाद मैं गया, मैंने अपनी रिपोर्ट्स मांगी, करने जब 4 दिन और लगेंगे। मैं कहा ठीक है, 4 दिन बाद मैं अपने फ्रेंड को साथ ले गया, तो मैंने रिपोर्ट्स मांगी उनसे। तो जब उन्होंने मेरे हाथ में रिपोर्ट दी, तो मतलब मैं इतना घबरा गया उस रिपोर्ट को देख के। रिपोर्ट में लिखा था किडनी बायोप्सी आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। मैं तो वहीं हाथ जोड़ के गुरुजी को मत्था टेका। मैं गुरुजी थैंक यू वेरी मच, डॉक्टरों ने अपना काम किया, आपने अपना काम किया। मैं उस दिन के बाद ना तो वहां से स्लाइड्स ही लेने गया जी, और ना ही मैंने वो रिपोर्ट्स ली। मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स का एक बैग था, वो भी मैंने साइड में डाल दिया। मैं कहा भाई गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, गुरुजी ने ठीक कर दिया, अब हमें सोचने की जरूरत है ही नहीं है। तो मैं फिर डॉक्टर के पास वापस गया, मैं चेक कराने में जी ऐसे ऐसे था। कह रहे चल ठीक है, चल जो भी है, वो तो मेडिकल वाले हैं, वो तो सोचते नहीं है। कह रहा चल ठीक है। तो मैं कह जी अब क्या करना है, कब आना है, कैसे को टेस्ट है बताओ। तो मुझे कहता है जाओ मौज करो, लड्डू खिलाओ तुम तो। जब उसने ना जाओ मौज करो लड्डू खिलाओ, तो लड्डू प्रसाद और गुरुजी के साथ ना, लड्डू प्रसाद का और मेरे गुरुजी का बहुत पुराना शुरू से कनेक्शन है एम्पायर स्टेट का, कोई मैं रिवील नहीं करूंगा। जब उसने बोला लड्डू प्रसाद खिलाओ, तो मैं तो ऐसे हो गया जाओ मौज करो लड्डू प्रसाद खिलाओ। मैं तो कहा ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं 5वें दिन उसने मुझे बुलाया था लास्ट, मैं जी पूरा लड्डू प्रसाद का डब्बा उसके लिए लेके गया। वो कहता ये क्या लगा, मैंने जी आपने बोला था लड्डू प्रसाद खिलाओ, मैं ले आया आपके लिए प्रसाद, थैंक यू वहां गुरुजी का किया। मैं कहा जी अब कब आना है, कहता जरूरत ही ना पड़े कभी तुझे मेरी शक्ल देखने की। डॉक्टर ऐसे बोलता है गुप्ता था, कहता तुझे कभी जरूरत ही ना पड़े मेरी शक्ल देखने की। वो दिन और आज का दिन 2016-2021 गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग, सारा कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, वीकनेस बहुत आ गई थी, 1.5 साल पूरा मैं अपने बिजनेस पे नहीं जा पाया था। पूरा बिजनेस मेरे घर से कोई भी नहीं गया, जो गुरुजी ने मेरे पास स्टाफ रखा हुआ है वो सारे स्टाफ ने मेरा काम संभाला। कोई प्रॉब्लम नहीं आई पीछे, ना वेंडर्स की, ना हमारे जितने भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं, सब गुरुजी ने इतना जबरदस्त ऑटो पायलट कर दिया कि मेरे को कुछ पता ही नहीं चला उस 1.5 साल में कि बिजनेस हुआ कैसे, मेरा काम कैसे हुआ, लोगों के पैसे कैसे दिए गए, लोग मेरे साथ काम भी करते रहे, मेरे साथ ही करते रहे, उस दुकान के साथ, उस हट्टी के साथ जो गुरुजी की हट्टी है उसके साथ काम भी करते रहे, सारा लड़कों को पूरा समझाते। इन बिटवीन गुरुजी ने हमारे एक जो मैनेजर साहब हैं उनको रात को दर्शन दिए ड्रीम में, योगेश हैगा नी ध्यान नाल दुकान संभालनी है, कोई गड़बड़ी नहीं करनी। वो रो पड़ा उसने जब मुझे सुबह बताया, कह रहा भैया मैं ऐसे गुरुजी, ही इज अ मॉमडन पर्सन, वो इतना मानते हैं गुरुजी को। उनके बेटे को भी गुरुजी ने ठीक किया था चोला छोड़ने के बाद, उनके बेटे को टीबी के स्पॉट्स आ गए थे, तो बहुत रोता था। तो उस 2-4 जगह सारा गवर्नमेंट के सिस्टम में सारा जो इलाज चलता है दवाइयों के लिए, एक हॉस्पिटल से लिखवाना पड़ता है, दूसरे से मिलती है, तो वो जाता था ना 3-3 दिन परेशान रहता था, कह भैया मैं काम पे भी नहीं आ पाता, आपको करना पड़ता है, आप अकेले होते हो। मैं कहा चल कोई बात नहीं। एक दिन मैंने कहा चल, मतलब मैंने नहीं कहा, गुरुजी ने पता नहीं एक दिन दोपहर को दिमाग में डाला। मैं कहा बेटे को लेके आ चल मंदिर, मत्था टेक के आते हैं। ठीक है, वो दोपहर को हम मंदिर पहुंचे, उसको मत्था टिकाया, तो उस तो सुनील गुप्ता अंकल होते हैं वहां पे, वो मिले मेरे को, योगेश कैसे आया। मैं कहा ऐसे ऐसे अंकल, तो मैं कहा इसको लंगर कराना गुरुजी का। कह रहे कमाल होगी लंगर, मैं तो लेके आ रहा हूँ, तुम बैठो। पीछे गेस्ट रूम होता था पहले, जहाँ किचन है वहां बिठाया और 2 थाली ले आए, एक हमने बच्चे को दी, एक मैंने और उन्होंने शेयर करी। तो जो बच्चे ने थाली अपनी कंप्लीट कर ली और कहता है अंकल रोटी प्रसाद एक और मिल जाएगा। तो मैंने अंकल को, मैं सुनील गुप्ता अंकल, एक रोटी प्रसाद एक दो बच्चे को, कह रहा मैं थाली लेके आता हूँ। एक थाली सिंगल की उन्होंने और ला के दी उसको, बच्चा वो थाली अपना बड़े भाव से बच्चे ने थाली खाई, हमने भी लंगर किया वहां, मत्था टिकाया, उसको जल प्रसाद लेके दिया और हम वापस आ गए।
उस प्रसाद के बाद वो भी भूल गया। महीना डेढ़ बाद जब टेस्ट कराए बच्चे के, कोई स्पॉट नहीं, कोई मतलब जो पुराने एक्सरे और नए एक्सरे कोई स्पॉट नहीं। वो बच्चा भी ब्लेस कर दिया, और बच्चा भी आज गुरुजी कृपा से हाइट भी उसने काफी ले लिया, क्रिकेट वगैरह खेलता है। तो मतलब गुरुजी, अगर आप गए हो गुरुजी के पास, आप, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके साथ काम करने वाले, आपके कनेक्शन में जो भी आएगा, गुरुजी उसको ब्लेस करेंगे। गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं हमको, और कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा कर रहे हैं आज की डेट में। इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। कि जब हम सत्संग सुनते हैं सबके, तो मतलब हमारे भी गूज बम्स हो जाते हैं। देखो जी, एक एक कल्याण हुआ, उसका कैंसर भी ठीक किया। और गुरुजी का एक सिस्टम था, हम जब लंगर में बैठते थे, गुरुजी थाली में इस तरफ वो संगत बैठी होती थी जिस पर गुरुजी की ब्लेसिंग हुई होती थी, कैंसर से ठीक हुआ था, और सामने वो बंदा बैठा होता था जो गुरुजी से ब्लेसिंग लेने आया होता था। गुरुजी मेनू कैंसर, मेरे बच्चे नु कैंसर, या किसी कैंसर, किस तरह, और उसको उसी थाली में बिठाते थे। और लंगर के दौरान ही कोई ना कोई ऐसा इंस्टेंस हो जाता था कि उनकी उनकी कन्वर्सेशन शुरू हो जाती थी, वो अपना सत्संग करते थे, और वो लंगर के बाहर अपना पूरा सत्संग सुना के जाते थे, और वो पूरी की पूरी ब्लेसिंग वो संगत दूसरी लेके जाती थी। गुरु जी पूरा एंडोर्स करते थे कि ये संगत ब्लेस हैगी है, या दूजी जड़ी सामने बैठी है, लंगर कर रही है, ये ब्लेसिंग लेन आई है, तो इसको देते थे गुरु जी ब्लेसिंग, ऐसे देते थे। तो गुरु जी शिव हैं, हम तो रहेंगे और चले जाएंगे, वो हमेशा ही रहेंगे। जब कुछ नहीं थे तब भी गुरु जी थे, जब कुछ सब कुछ है तब भी गुरु जी, जब कुछ नहीं होगा तब भी गुरु जी होंगे। हम लोग तो संगत उनकी वजह से हैं, वो हैं तो हम हैं। आज अगर हम कभी बैठ के ये सोचें, आंखें बंद करके सिर्फ इतना मनन करें कि आज से 10 साल पहले और आज में कितना अंतर गुरुजी ने हमारे में ला, हमारी ईगो खत्म कराई, हमारा गुस्सा खत्म कराया, हमारा अभिमान खत्म कराया, हमें सिखाया कि प्यार करो, वननेस है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। गुरुजी के पास तो ऐसे जाओ कि जैसे आप पानी हो, छोड़ दो अपने आप को उनके चरणों में, वो आपको पानी की तरह जहां जहां बहाते हुए ले जाएंगे, अपने आप रास्ता बनाते हुए आपको ठीक राह पे ले जाएंगे। जय गुरु जी। अंकल हेलो। सिंगल जय गुरु जी। अंकल हो गया टाइम? सिंगल अगर आप चाहते हैं तो एक तो सत्संग और शेयर कर लें। एक और शेयर कर दूं, एक मैं छोटा सा शेयर करता हूं सत्संग। ये भी गुरुजी ने जब चोला छोड़ा उसके कुछ टाइम बाद का ही है। मेरा उस टाइम ना पेंट का काम, आप तो नहीं है, पेंट का काम भी हमारे पास साथ होता था। तो हमारे पास ना इन द मिडल ऑफ विलेज, गांव के अंदर ना बिल्कुल एक सेंटर में एक हवेली थी, हमने गोडाउन बना रखा था अपना, तो उसमें मैक्सिमम ना पेंट्स ही होते थे। तो ये होली से 5-6 दिन पहले की बात है, स्टॉक हमारे पास पूरा था क्योंकि सीजन था, थिनर स्पिरिट ये समझ लो एक्सप्लोजिव ही होते हैं, अगर जरा सी तिल्ली लग जाए तो जितना हमारे पास मटेरियल था वो 1 किलोमीटर पूरा उड़ा सकता था। तो सफाइयां हम कराते थे होली से पहले अपने गोडाउन की भी, ठीक ठाक कर दो, 3-4 दिन की छुट्टी आनी है, तो अब ये 2 दिन सफाई करो और फिर अब हम छुट्टी करो, सब होली की छुट्टी करो 2 दिन की। तो उस सफाई के दौरान पता नहीं क्या हुआ, कोई बाहर से लेबर आई थी, तिल्ली गिरी, क्या गिरा, उसमें आग लग गई गोडाउन में, और मैक्सिमम एक्सप्लोजिव ही पड़ा हुआ था सारा उसमें, पेंट्स, फेविकोल, एडेसिव्स, वाटरप्रूफिंग और थिनर और सुपर स्पिरिट। तो वो एकदम से लड़के के भागे भागे आए दुकान पे कि भैया आग लग गई गोडाउन में। तो मतलब मैं पागल सा हो गया, मैं एकदम से हम भागे, क्योंकि उसके आसपास ना बिल्कुल हवेली के अंदर ही 10 कमरे थे जिनमें से 6 में लोग रहते थे, 4-4 5-5 बंदों की फैमिलियां थी। तो पहले तो उनको बाहर निकाला फटाफट, और मेरे एक दोस्त का पानी का काम है, मैंने उसको फोन किया, मैं कहा यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। तो वो गांव
मैं उस कभी कभी एक टैंकर भी नहीं खड़ा होता उसके प्लांट पे। उस दिन दो टैंकर खड़े थे, वो भरे हुए ही खड़े थे। उसने फटाफट टैंकर भेजे, जैसे ही आग जलती जलती थिनर के ड्रम को लगे वो पानी डाल दे, पानी से फिर ऐसे फिर धीरे धीरे आग, क्योंकि इनफ्लेमेबल था सारा, आग लगती लगती रही। आखिरी में मैं पागल हो गया, अकेला इधर भाग उधर भाग, गुरुजी कुछ से करना पहना। अब मुझे नहीं पता जी कहाँ से हमारे बैंक, हम सामने हमारे ना शॉप के एक बैंक है, तो वो मैनेजर मेरा दोस्त था, तो उसको पता चल गया। उसने एबीसी के सिलेंडर जो सबसे एडवांस वाले थे उनके बैंक में लगे हुए थे, अपने उसमें से लॉकर में से सब सारे सिलेंडर लेके वो दो तीन बंदों को लेके आ गया। इतने पानी के टैंकर और आ गए दो, इन बिटवीन पुलिस भी आ गई वहां पे, पुलिस भी आ गई। और अगर पुलिस आ गई तो मतलब समझ लो अंदर आए हम, तो सारे गांव वाले जो मेरे दोस्त थे वो कहते हैं क्या हो गया, कह रहा कुछ नहीं यार, इनका स्टोव अंदर रहते हैं ना लोग, उनके स्टोव में आग लग गई होगी कोई, तो हमने टैंकर भेज दिया बुझा रहे। गुरुजी ने फायर एक्सटिंग्विशर से पूरी आधे पौने घंटे के अंदर अंदर सारा आग शांत हो गई, थिनर स्प्रिट सब शांत हो गए, पर शांत के साथ सब सब कुछ खत्म हो गया। ऑलमोस्ट 15-20 लाख का स्टॉक था जो अंदर, वो पूरा पानी पानी हो गया, जल गया, पानी हो गया। शाम को 6:30 बजे तक हमने सफाई कराई पूरे गोडाउन की, सारा कचरा निकाल के, एक साइड में प्लॉट है जहां से कूड़े वाली गाड़ियां आके उसमें सारा फिकवाया, बंद किया गोडाउन और मत्था टेका गुरुजी को और अपना घर आ गए। मेरे पापा बहुत देर तक रोते रहे हमारा नुकसान, मैं कहा पापा नुकसान मत देखो, ये देखो कि अगर एक ड्रम भी फट जाता ना तो हमें तो गुरुजी भी नहीं बचा सकते थे, हमें इतने दिनों के लिए रहना पड़ता है, इतने महीनों के लिए हमें अंदर रहना पड़ता है कि आपने एक रेजिडेंशियल इलाके के अंदर एक्सप्लोजिव रखा हुआ सारा का सारा। तो मैंने तो जी उसके बाद आके सीधा मत्था टेका गुरुजी को मंदिर और थैंक यू किया। 5 दिन बाद अपना दोबारा दुकान खोली, नए सिरे से सारा सामान मंगाया और गुरुजी का नाम लेकर फिर गाड़ी गुरुजी ने हमारी रन थ्रू कर दी। थैंक यू अंकल, जय गुरुजी।